वीडियो के नीचे मैंने एक वीडियो डाला रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी के बारे में। मुझे नहीं पता था कि एनडीटीवी के भी अनभक्त बन चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि रवीश जी के भी अनभक्त हैं, और वो हैं सारे मुसलमान। यार मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों के समाज से एक बात पूछना चाहता हूँ। कई मैं ऐसे सवाल करता हूँ, शायद आप लोगों ने कभी अपने समाज में भी नहीं किए हैं, बड़े ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मुझे ये बताओ कि आप लोगों का अपना टीवी चैनल क्यों नहीं आया आज तक? अमरीका में चैनल क्यों नहीं आया आज तक? अमेरिका में 60 के दशक में यहाँ पे चैनल बनाया था कालों ने गोरों से लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं ब्लैक टेलीविजन। उसने बड़ी सहायता करी थी। आप लोगों के ये बड़े बड़े सलमान खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान की कलकत्ता की टीम 1500 करोड़ की, एक और टीम है उसकी KKR जो खेलती है वेस्ट इंडीज में, वहां की लीग में, वो भी 200-500 करोड़ की होगी। सलमान खान की पिक्चर जाती है 500 करोड़ 300 करोड़। तो आप लोगों का टीवी चैनल क्यों नहीं खुला आज तक? इसका रीजन क्या है? आप लोग मतलब कब तक भागते रहोगे? कभी कांग्रेस की तरफ भाग रहे हो, कभी एनडीटीवी की तरफ भाग रहे हो, क्या चक्कर क्या है भाई? आप लोगों को अपने अंदर देखना ज्यादा जरूरी है। चमचे बन गए हो आप लोग, जिसका जहां इस्तेमाल करा जाए वहां इस्तेमाल कर देते हैं। सालन बनता है किसी और का और आप लोग करछिया काम करते हो घुमाने का। समझ में आ गई? तो ये आप बनता है किसी और आप लोग करछिया काम करते हो घुमाने का। समझ में आ गई? तो ये आपसे सत्य वही बोलेगा जो आपका भला चाहेगा। जो आपका भला नहीं चाहेगा ना, वो आपसे कभी सत्य बोलेगा ही नहीं, कभी नहीं। आप एनडीटीवी को क्यों फेवर करते हो पता है? क्योंकि आप लोग मोदी जी से नफरत करते हो। यही है, आप लोग नफरत अपनी गुर्बत से नहीं कर रहे, आपके जो इलिटरेसी है उससे नफरत नहीं कर रहे, आप एक व्यक्ति विशेष से नफरत करते हो। तो इससे तो आपकी कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मोदी जी तो आज हैं और कल नहीं रहेंगे, मगर आपकी प्रॉब्लम तो 70 साल से चल रही है। और मैं शुरू से कह रहा हूं भाई, मगर इसमें आप कहने की फायदा भी नहीं है। सोशल मीडिया पे जितना भी युवा मुसलमान बैठा है ना, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया अपने समाज का। देखो खुले खाते में बताता हूँ, तुम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तुम्हारे में इतनी एजुकेशन नहीं है कि तुम किसी से बहस कर सको। तुम क्या है कि बनते काम को भी बिगाड़ देते हो, ये तुम्हारी खास आदत हो गई है। अभी जैसे मैंने उद्धव भाई का नाम लिया, तो 90% मुसलमान उद्धव भाई के पीछे लग गया, राइट? तुम्हारे अपने अंदर लीडर हैं, तुम्हारी तुम्हें देखने की काबिलियत नहीं है। तुम्हारे समाज में अपने अंदर लीडर बैठे हैं, मैंने 2-4 के नाम लिए, मगर उनको तैयार नहीं करोगे। नहीं, बस जिंदगी भर क्या है कि पिछलग्गू बन जाओगे, कभी कांग्रेस के पिछलग्गू, कभी शिवसेना के पिछलग्गू, कभी एनडीटीवी के पिछलग्गू, कभी रवीश कुमार। रवीश साहब, आपके अंधभक्त बच रहे, अपने आप को बचाइए इन अंधभक्तों से। ये आपके अंधभक्त, अंधभक्त किसी के सगे नहीं होते, किसी के सगे नहीं होते। जितने भी ज्यादा नाकामयाब लोग होते हैं ना दुनिया में, वो अंधभक्त बनते हैं, अब चाहे वो कोई भी हो। इतनी सपाट आपको कोई बोलेगा नहीं। हम क्यों बोलते हैं पता है आपको? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आगे करो तरक्की। जख्म को जब ठीक करना होता है ना, तो दर्द होता है पहले, और वो दर्द देंगे हम आपको, क्योंकि वो जख्म हमें आपका अच्छा नहीं लगता। समझ में आई बात आपको? आपके समाज में आपको कोई नहीं बोलता, आपके मौलाना आपको कोई नहीं बोलते, आपके जो भी लीडर है 2-4 वो भी नहीं बोलते आपको, क्योंकि आप उनकी TRP हो, उनका वोट बैंक हो। वो क्यों बोलेंगे आपको सच? उनको अपना घर देखना है, आपके घर से क्या लेना देना, आपके घर से क्या लेना देना। तो भाई मेरे, मियाँ भाई की डेयरिंग ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। शाहरुख भाई से बोलो जो 300-500 करोड़ की टीम खरीदी उन्होंने KKR वेस्ट इंडीज में, उसकी जगह एक टीवी चैनल ही खोल ले। सलमान भाई, शाहरुख भाई, बादशाह बॉलीवुड, कौन से बादशाह, काहे के बादशाह जो अपने समाज के लिए नहीं कर पाए। बोलिए एक टीवी चैनल खोले, क्योंकि वो फिर हर जगह जाएगा, लोग अच्छी बातें सुनेंगे आपके समाज के बारे में। अभी आपके समाज के बारे में प्रोपेगेंडा क्या होता है? गलत गलत प्रोपेगेंडा होता है, और सभी करते हैं, सभी करते हैं, सारे चैनल करते हैं। तो भाई अपना मकान की नींव को खुद मजबूत करनी पड़ेगी, दूसरे के मकान की नींव को मजबूत करने की जगह खुद के मकान की नींव मजबूत करो, जो ढह जाएगा समाज। बोल बोल के थक गया मैं आप लोगों को, समझ जाओ। और ये बच्चे लोग जो बैठे हैं ना आज की तारीख में,
मुस्लिम बच्चे सोशल मीडिया छोड़ दो, तुम अपने समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हो और तुम्हारे भविष्य का बेड़ा गर्क तो हो चुका है। सुन लो मेरी बात, दूर दूर तक कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, दूर दूर तक 20 साल तक कुछ नहीं है आगे। समझ में आ गई बात? और अभी भी ना समझ में आए? अल्लाह मेहरबान, गदा पहलवान। जय हिंद।